हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आज है वट सावित्री का पूजा और मैं भी इस बार फर्स्ट बार वट सावित्री का पूजा की हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, बगल में एक भाभी है, वो भी वट सावित्री का पूजा करती है। तो सोचे कि चलते हैं, अब इस बार उनके साथ ही करेंगे। तो जो एक और लेडीज थी वो पहले ही कर ली। और अभी जो हम लोग, बहुत ज़्यादा धूप हो गया है क्योंकि हम लोग का कम से कम 11 बज गया था, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पर छत पे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप भी लग रहा था। एक भैया थे जो ऊपर बगल साइड खड़े होके और ऐसे पंखा लेके, सॉरी पंखा बोल रहे हैं, छाता लेके खड़े थे ताकि हम लोग को धूप ना लगे। बहुत ज़्यादा धूप था, सारा फोटो वीडियो सारा काला काला एकदम आ रहा था, इसलिए ज़्यादा फोटो वगैरह भी हम लोग नहीं खींचाए। और यहाँ पर देख सकते हैं, पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। और कुछ कुछ सामान जो है वो मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे फर्स्ट बार की थी, तो उतना मुझे को पता नहीं था, बट अब अच्छे से पता चल गया है कि क्या क्या इसमें लगता है। और सब कुछ था, बस कुछ कुछ ही घट गया था, तो ये भाभी दे दी। और बस पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया। लास्ट में बर का पेड़ से ऐसे गला लगा जाता है ताकि पति से झगड़ा ना हो। और यहाँ पर देख सकते हैं, भाभी भी लगे थे और मेरा ही ज़्यादा वीडियो की, तो वो सब सारा क्लिप आप लोग के साथ शेयर की। और बस अभी यहाँ पर आई तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट की 1-2 घंटा, और उसके बाद शाम हो गया है तो यहाँ पर फलहार कर लेते हैं। तो जहाँ पर बैठ के मैं फलहार करूँगी तो वहाँ पर मैं पोछ ली, क्योंकि वहाँ पर गंदा वगैरह नहीं होना चाहिए। फलहार जहाँ पर करते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पर अपने लिए फल निकाल रही हूँ, तो सारा फल को धो ली थी अच्छे से। और बस अभी इसको तैयार कर लिए हैं थाली, और ये थाली भी मेरा बिल्कुल न्यू था, तो ये सब पूजा के लिए बस साइड से 1-2 थाली निकाल के रखी थी ताकि ये सब काम दे पूजा में, क्योंकि मैं तो अभी बाहर रहती हूँ, तो इसीलिए ये सब शुद्ध था मेरा। और बस यहाँ पर अब फलहार कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले फलहार करने से पहले थोड़ा थोड़ा जो फल है वो गिराया जाता है, उसके बाद पानी गिराया जाता है और बस प्रणाम करके खाया जाता है ताकि सारा कुछ अच्छा से हो गया है और ये फलहार भी अच्छे से हो जाए ये सब। तो बस यहाँ पर जो है मैं फल खा ली हूँ, और ये ड्यूटी से आने वाले ही हैं, तो अब मैं 6 बजे फलहार की थी। ये सब कपड़ा वगैरह सरियाने में थोड़ा देर हो गया, मैं तो और थोड़ा पहले 5 बजे के लगभग कर लेती, बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है तो बस यहाँ पर 6 बज गया ये सब काम वगैरह में। अब 7 बज गया है, और तो यहाँ पर सांझ भी दे देते हैं क्योंकि सांझ भी नहीं दी थी अभी, और बस ये ड्यूटी से आने वाले ही होंगे। तो यहाँ पर बस अब सभी जगह आरती कर लेते हैं और सांझ दे देते हैं घर पर। और पूजा बहुत अच्छा रहा, आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय की, बहुत अच्छा भी लगा। तो बस यहाँ पर आरती सब जगह कर दी हूँ, और ये ड्यूटी से भी आ गए थे, तो जो नियम होता है ये कलश में जो पानी रखा जाता है उनसे पैर धोया जाता है और पंखा होका जाता है, तो वो सब सारा कुछ की। और ये बर का पत्ता में ये इनको प्रसादी देना रहता है, तो वो सब कुछ दे दी हूँ।